चरण कर लेते हैं ओम अज्ञान ज्ञाजनशलाकुर तस्म श्री गुरव नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठा भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री निनंद श्रीअत गाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 कि हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा तो सबका स्वागत है कल तक हमने जो है श्लोक क्रमांक ट्वेल्व तक किए थे राइट आज थर्टीन करना है हमारे को सातवा अध्याय थर्टीन नंबर श्लोक तो हम देख रहे हैं अभी भगवान जो है ना तीन गुणों की बात कर रहे हैं है ना ये तीन गुण पिछले श्लोक में बताते हैं कि वे सारे मुझसे प्रकट होते हैं और मैं इन तीनों गुणों में कहीं से भी इफेक्टेड नहीं हूँ ये तीन गुण मुझे नहीं छू सकते मैं स्वतंत्र हूँ मैं इनके अधीन नहीं हूँ है, है तो गुण बहुत इंपॉर्टेंट है हमको समझना पड़ेगा कि गुण होते क्या है गुण का मतलब होता है एक तरह की रस्सी रस्सी से जैसे किसी के हम हाथ पैर बांध देते हैं तो वो कुछ करने लायक नहीं रहता वो अकॉर्डिंगली जैसा रस्सी बंधे बंधे में जो हो सकता बस वही कर सकता उससे ज्यादा नहीं कर सकता है ना तो उसी प्रकार हमारे बुद्धि में हमारे ज्ञान को ढक दिया जाता है इन तीन गुणों के द्वारा ये रस्सी है ये बांध दी जाती है हमारे को और हम इसके अंतर्गत ही काम करते हैं है ना सतोगुण की रस्सी रहेगी तो वो अपने आप को ज्ञान और सुख में बांधेगा रजोगुण की रस्सी रहेगी तो वो राग तृष्णा और संग में बांधेगा अपने आप को और तमोगुण की बंद रस्सी रहेगी तो वो आलस निद्रा नशा प्रमाद पागलपन इन सब में अपने आप को बांधेगा तो मैंने कल भी बताया था ये गुण जो होते हैं ना एक तरह से मैग्नेट का काम करते हैं जिस प्रकार अगर हम मैग्नेट लेके मैंने ना एक बताऊं जैसे पहले ना गंगा जी में जाता था ना बचपन में मैं बहुत बार गया हूँ गंगा जी पिताजी हमारे को हर साल लेके जाते थे बहुत देर बैठे रहते थे वहाँ पे तो मैंने देखा वहां पे बच्चे आते थे वो ना एक मैग्नेट बड़ा सा ऐसे हाथ में मैग्नेट लेते थे उसमें रस्सी बांध के अपने पास रखते थे थे और वो अंदर जाते मैग्नेट पूरा नीचे घुमा के जमीन में गंगा जी की उसको घुमा के लाते थे तो उसमें उनको बहुत सारे सिक्के चिपक जाते थे है ना लोहे के सिक्के जो बनते हैं एक रुपए दो रुपये पांच रुपए जो भी हैं वो उस मैग्नेट में चिपक जाते थे और वो हाँ पे भी डालोगे वहां से वो लोहा खींच लेगा ठीक है इसी प्रकार जो गुण की रस्सी होती है ना गुण जो भी आपके अंदर प्रधान गुण है वो गुण उसी गुणों को और खींचता है लेकिन यह है कि आपको अपने अंदर वो गुण की वृद्धि लानी पड़ती है प्रयास तो आपको करना पड़ता है जैसे आपने एक प्रयास किया कि मेरे को जो है ना अब नॉनवेज छोड़ना है और छतों गुण में जैसे सुबह जल्दी उठना है तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली सतो गुण की बाकी चीजें भी ना आपको अट्रैक्ट करना चालू करेंगे ये पूरा ब्रह्मांड जो है ना ऊपर से लेके नीचे तक ब्रह्मा जी से लेके नीचे पाताल तक जो है ना सारे लोगों में तीन गुण की रस्सी काम करती है ब्रह्मा जी तक भी इससे अछूते नहीं सारे के सारे लोग जितने भी है ना महर्षि है ना देवता लोग चाहे नीचे के लोग हो चाहे मनुष्य हो चाहे जो भी हो ये सारे के सारे लोग जो है ना तीन गुणों की रस्सी के द्वारा बंधे हुए हैं तो एक कथा आती है बीच में बताया भी है आप, आप लोग को सबको तो मालूम ही होगा ब्रह्मा जी उन्हीं से उत्पन्न हुई थी सरस्वती और वो मोहित हो गए थे सरस्वती के ऊपर मालूम है ना फिर बाद में शादी कर लिए थे उनसे मालूम है कि नहीं तो ब्रह्मा जी भी अपना ऊपर उनको इतनी ग्लानी हो गई इतना अंदर ही अंदर एम्बेसमेंट फील कर रहा था गिल्टी फील कर रहे थे ब्रह्मा जी कि ये मैंने क्या कर दिया मेरे से ही उत्पन्न हुई और मैं उसी के जो है ना सुंदरता को देख के मोहित हो गया तो इस प्रकार देखते हैं कि हर हर जो है ना जीव इन तीन गुणों से बंधा हुआ है तो हमको जितनी कोशिश करेंगे हम अपने अंदर सतोगुण की वृद्धि लाने की उतना ऑटोमेटिकली हमारे अंदर बा, बाकी एक सतोगुण को आप स्थापित करो अपने अंदर तो बाकी सतोगुण की चीजें ऑटोमेटिकली आपको अट्रैक्ट करना चालू कर देंगे जिस प्रकार एक आदमी हाथ पैर जिसके रस्सी से बंधे हुए हैं वो दूसरे के दूसरे जो बंधा हुआ आदमी है उसको खोल नहीं सकता है है ना? आज हमारे हाथ पैर अगर बंधे हुए हैं रस्सी से तो क्या हम दूसरे को जाके उसके उसके हाथ पैर खोल सकते हैं क्या नहीं खोल सकते खोलेगा वही जो मुक्त होगा जिसके हाथ पैर खुले होंगे वही जाके दूसरे के रस्सी को खोल पाएगा उसकी गांठ को तो यहाँ पे इन गुणों से मुक्त कौन है भगवान स्वयं एक तो कृष्ण है बोल रहे हैं कि मेरे पास आओ तो मैं तुमको इन गुणों से परे कर दूंगा माया से तेषाम सततयुक्ता नाम नहीं देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्धन थे माया मेहताम तरंती थे नेक्स्ट श्लोक में आएगा चौदह नंबर में कि जो मेरी शरण में आता है वो इस माया को पार कर जाता है ठीक है तो इन गुणों को जो है ना पार करना है तो हमको भगवान की शरण ही ग्रहण करनी पड़ेगी अदरवाइज हम इस गुणों से गुणों की रस्सी से छुटकारा नहीं पा सकते ठीक है जो जो अज्ञान थोड़ा सा इंटेलिजेंट होता है जिसको यह मालूम रहता है कि मैं इंटेलिजेंट हूं वो कभी भी ये नहीं सोचता कि मैं बेवकूफ हूं जो थोड़ा सा पागल होता है ना वो कभी भी नहीं सोचता कि मैं पागल हूं आप उसको एहसास दिलाने की कोशिश करोगे तो वो आप ही को बोलेगा तुम पागल हो यार मैं थोड़ी हूं पागल तो जो जिस स्थिति में रहता है ना उस स्थिति का उसको भान नहीं रहता वो सोचता है कि मैं तो सबसे सही हूँ और ये लोग गलत है मैं सही हूँ बाकी लोग गलत है लेकिन जो बाकी होते हैं ना वो देख सकते हैं कि इसके अंदर अभिमान आ गया है इसके अंदर जो है ना बुद्धि का अभिमान है या पागलपन है ये पागल है ऐसे कोई करता है क्या लेकिन वो खुद जो है ना वो नहीं समझ सकता कि वो पागल है तो उसी प्रकार जो गुणों में बंधा हुआ है वो अपने आप को ये एनालाइज नहीं कर पाता कि मैं इसमें बंधा हुआ हूं उसको लगता है मैं तो मुक्त हूं मैं तो जो मेरी मर्जी हो रही मैं वो कर रहा हूं ना जो मेरी इच्छा हो रही मैं वो कर रहा हूं ना मैं किसी के अंडर थोड़ी हूं तो उसको पता ही नहीं पड़ रहा है कि वो गुणों के अधीन उसकी इच्छा जो हो रही है ना वो गुणों के द्वारा प्रभावित हो रही है बुद्धि में जो नॉलेज डाटा फिट कर दिया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग ही आदमी सुख और दुख मान अपमान अभिलाषा आकांक्षा सब व्यक्त करता है उसकी पसंद नापसंद भी उसकी बुद्धि के द्वारा होती है किसी को गुलाब जामुन पसंद है किसी को नहीं पसंद है ऐसा क्यों अगर वो चीज अच्छी है तो सबको पसंद आना चाहिए ऐसा नहीं होता लेकिन किसी को पसंद आता है किसी को नहीं आता है कारण यह है उसकी बुद्धि में गुलाब जामुन का जो ज्ञान भरा हुआ है वो पॉजिटिव है वो अच्छा भरा हुआ है लेकिन दूसरा जो व्यक्ति है जिसको पसंद नहीं आ रहा उसकी बुद्धि में गुलाब जामुन का ज्ञान जो भरा हुआ है वो नेगेटिव है उसको पसंद नहीं आता है। उसमें उसकी खामियां देखता है और दूसरा आदमी इसकी अच्छाइयां देखता है फर्क यही है ठीक है तो हम प्रवेश करते हैं हमारे नेक्स्ट श्लोक में तेरा नंबर श्लोक में त्रिभीर गुणमयी भावे भी जगतः जगत मोहित ना जाना परम तीन गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता जो भी इन्वॉल्व है अपने आप को इन, इन तीनों गुणों में वो अपने आप में व्यस्त है आप भी देखेंगे जब जब आप भगवत गीता की क्लास में आते हैं जब जब किसी की कथा सुनते हैं हमारे इस की तब तब आपको आभास होता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ आत्मा हूं तब तब आपको ये भान होता है कि सब जगत को चलाने वाले कृष्ण हैं लेकिन फिर जैसे ही हम संसार में चले जाते अपने कामों में फिर भूल जाते हैं है कि नहीं हम जैसे ही अपने दोस्तों के साथ काम में घर के कामों में इसमें उसमें उलझ जाते हैं बच्चों में तो वहां मोहित हो जाते हैं बच्चों से अरे वाह खुशी मिलती है बच्चों के साथ तो जितना संसार के साथ रहेंगे उतना संसारी हो जाएंगे जितना कृष्ण के साथ रहेंगे उतना समझ पाएंगे कि ये भगवान है तो हम जिसका संग करते हैं उसका पूरा इफेक्ट आ जाता है हमारे ऊपर भगवत गीता का संग करेंगे तो हम शुद्ध सत्व में आ जाते हैं उस समय के लिए जितने देर हम भगवत गीता के साथ रहते हैं उस समय हमको ये चीज़ सारी चीज़ अंदर अंदर रियलाइज होती है और अपना दृढ़ हो जाते हैं संकल्प ले लेते हैं अरे बाबा आज से तो सब छोड़ूंगा मैं ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा ये ऐसा अपना रूटीन बना लूंगा मैं और जैसे ही हम माया में जाते हैं तो माया जो है प्रलोभन देना चालू कर देती है बोलती अरे कल से करेंगे ना कोई प्रॉब्लम थोड़ी है आज छोड़ देते हैं आज मजे करो लेट्स सी क्या होना है कल चार दिन का जीवन है फिर कोई ज्ञान देने आ जाता है दोस्त यार इतने में अरे छोड़ ना यार जीवन नहीं जिएगा तो क्या करेगा तू तो पागल है क्या भक्ति तो कर रहा है ना सुबह करता है, छोड़ बस में काफी है। फिर बोलते है अच्छा चलो ठीक है ये मेरा बचपन का दोस्त है इसका मात मान लिया जाए <laughs> तो ऐसा प्रलोभन देती है माया और हमारे को जो है ना फिर से अज्ञान में लाने की कोशिश करती है तो जिसका संग करेंगे वैसा ही हमारा भाव आएगा हमारे अंदर ठीक है तो तात्पर्य में प्रवेश करते हैं यहाँ पे सारा संसार प्रकृति के तीनों गुणों से मोहित है जो लोग इस प्रकार से तीन गुणों के द्वारा मोहित हैं वे नहीं जान सकते कि परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति से परे सब लोग बहस करते हैं अरे कृष्ण तो यार बोले कोई भगवान थोड़ी है वो तो इंसान के रूप में आए थे और जो है ना चले गए उनकी जो है ना उनकी मृत्यु हो गई थी वो नहीं समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण तीनों गुणों के अधिष्ठाता है ये सारे संसार के सबसे टॉप मोस्ट कौन है ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर गोविंद सर्व कारण कारण सारे कारणों के कारण कौन कृष्ण ये जगत नहीं समझ सकता जो माया के वश में है माया बहुत खतरनाक है माया का मतलब क्या है जो वो नहीं है वो दिखाती है लेकिन जो नहीं है वो दिखाती है सुख है लेकिन सुख दिखता नहीं है सुख दिखता है लेकिन सुख एक्चुअली ही नहीं है इल्यूजन पैदा करती है माया एक्चुअल मतलब ये है कि जो नहीं है बस यही है माया का काम जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं हीरो हीरोइन जा रहे हैं पहाड़ों में बढ़िया वाह है ना क्या बोलते हैं स्नो पूरे पहाड़ बर्फ के पहाड़ों में वो लोग डांस करते हैं गाना गाते हैं गीत गाते हैं खुशी खुशी जाते हैं दिखता सब अच्छा अच्छा है हमारे को वाह क्या मजे कर रहे हैं यार हमको भी जाना चाहिए लेकिन एक्चुअल में पता पड़ा अगले दिन पेपर में आया कि हीरो हीरोइन को जो है ना वहां पे निमोनिया हो गया इतनी ठंड लगी तो हमको तो वो दिखा नहीं ना हमको तो सिर्फ अच्छा अच्छा दिखा तो माया का यही काम है सिर्फ अच्छा अच्छा दिखाना और जो उसका नेगेटिव है वो नहीं दिखाती माया पिक्चर में नहीं दिखाएंगे कि उसकी तबीयत खराब हो गई थी भाई छह छह दिन तक परेशान थे डॉक्टर के पास इलाज चला बेड रेस्ट पे चले गए थे प्रॉब्लम आ गई थी वो नहीं दिखाएंगे खाली दिखाएंगे उतना ही जितना अच्छा था बस बाकी चीज आप समझ जाओ तो हमको समझना है अंडरस्टैंडिंग लानी है कि जो अच्छा दिख रहा है उसके पीछे बुरा भी है क्योंकि कोई भी चीज सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अच्छा अच्छा कहीं नहीं होता ये हमको समझना पड़ेगा प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है और तदानुसार उसे एक विशेष मनोवैज्ञानिक मानसिक तथा शारीरिक कार्य करना होता है प्रत्येक प्रकृति के तीन गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्य की चार श्रेणियां हैं तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्रत्येक जीव को प्रत्येक प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है और तदानुसार उसे एक विशेष मनोवैज्ञानिक मानसिक तथा शारीरिक कार्य करना होता है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसका मतलब जो है ना अपन स्लोली स्टार्ट करते हैं इसका मतलब क्या है तेरा पॉइंट ट्वेंटी टू निकालेंगे पेज नंबर फोर सेवेंटी एट यहां कहते हैं पुरुष प्रकृति स्थो ही भुजंगे प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगअस्य सत असत योनि जन्मसु है ना कारणम गुण संग सत योनि जन्मसु मतलब जो कारण है है ना जो गुण जिस भी गुण का आपने संग और असत असत संग किया मतलब जिसका संग किया चाहे जिस गुण को छोड़ दिया गुण है ना गुण संग अस्य जीव करता है सत असत अच्छी तथा बुरी योनियों में जन्म लेता है सत असत योनि जन्म सु उस योनि में जाता है मतलब जिस भी योनि में जा रहा है उसके पीछे का कारण क्या है उसने कौन से गुणों का संग किया है है ना इसका अनुवाद मैं पढ़ रहा हूं इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनिया मिलती रहती हैं, है ना इसमें अनुवाद में गुण का लिखा नहीं है प्रकृति लिखा है सीधा लेकिन प्रकृति के गुणों के अधीन क्योंकि श्लोक में लिखा है कारण गुण गुण लिखा है क्लियर कट है ना प्रकृति के गुण लिखा है कारण गुण संग अस्य सत असत योनि जन्मसु कौन सी योनि में जाएगा इसका कारण क्या है प्रकृति के कौन से गुणों का संग किया है ठीक है मतलब जिस भी गुण में हम रहते हैं उस गुण के अकॉर्डिंग हमारी अगली जो है ना योनी तय होती है ठीक है फिर खोलेंगे ठीक है फोर्टीन पॉइंट एटीन पेज नंबर फाइव जीरो वन इसमें कहते हैं उर्धव गि सत्वस्थ मध्य तिष्टि राजस जगन्य गुणान वृत्ति स्था अदोगी तामस मतलब सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः ऊपर उच्च लोकों को जाता है रजोगुणी इस पृथ्वी में पृथ्वी लोक में रह जाता है और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित है वो नीचे नरक के लोकों को जाता है गुणों को हमको इतना इजी नहीं लेना चाहिए भयंकर खतरनाक है ये गुण सतोगुण रजोगुण और तमोगुण ये हमें यही कारण है हमारी जो अलग अलग योनियों में हम ट्रैवल कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ये आप अपना गुण चेंज करो देखो आपके अंदर सीधा सीधा प्रकृति में पूरा पूरी सोच फर्क आ जाएगी आपको ऑटोमेटिकली ऐसा समझ में आने लगेगा कि यार तमोगुणी लोग है ये लोग ये कैसा रह रहा है वो क्या है स्थिति है उसकी क्या गति होने वाली है सारी चीज़ें समझ में आना चालू हो जाती हैं एक और श्लोक आता है फिफ्टीन पॉइंट जीरो दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान आंख जीव नाक तथा स्पर्श इंद्रियां त्वचा प्राप्त करता है जो मन के चारों ओर स्पंजित हैं इस प्रकार वह इंद्री विषयों के एक विशेष समुच्चय का भोग करता है है ना इसके तात्पर्य की मैं कुछ लाइन पढ़ रहा हूँ दूसरे शब्दों में यदि जीव अपनी चेतना को कुत्ते या बिल्लियों में बिल्लियों के गुड़ों जैसा बनाता है तो उसे अगले जन्म में कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है जिसका वह भोग करता है चेतना मूलतः जल के समान विमल होती है लेकिन यदि हम जल में रंग मिला देते हैं तो उसका रंग बदल जाता है देखो चेतना हमारी जल के समान है इसमें हम रंग मिलाते हैं आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो रंग आप मिलाएंगे वो रंग हो जाएगा उस जल का चेतना हमारी शुद्ध है जो गुण आप मिलाएंगे इस चेतना में वो गुण हो जाएगा आपका पूरा है ना किसी को समझ में कोई कोई डाउट तो नहीं हो रहा इजी वे में कनेक्शन मिलते जा रहा है ना कैसे हो रहा है कैसे गुण का इफेक्ट आता है गुण को आदमी अज्ञानता में अगर अज्ञान में रहेगा ना तो वो कोई भी गुण एक्सेप्ट कर लेगा लेकिन जो पढ़ेगा समझेगा कौन सा गुण मेरे को स्वीकार करना है तो वो ऑटोमेटिकली चाहे रात को बारह बजे भी सोएगा तो सुबह पांच बजे ही उठेगा क्योंकि उसको अपने आप को सतोगुण मेंटेन करना है समझ रहे हैं ना सतो गुण में आपको मेंटेन करना है क्योंकि जल में जो कलर आप मिलाएंगे जल का वही कलर हो जाएगा इसलिए चेतना में आप जो गुण मिलाएंगे वो चेतना पूरा उस गुण की हो जाएगी है ना ये हमारे हाथ में भगवान ने ये इसका जो है ना डिसीजन हमको दिया है कि तुम कौन से गुण में रहना चाहते हो सतो गुण में रहना चाहते हो कि तमोगुण में या रजोगुण में धीरे धीरे ये भाव खत्म हो जाएगा ये मेरा वो मेरा मैं अपना घर कैसे छोड़ दूं मेरा परिवार मेरे दोस्त मेरा काम मेरा जॉब मेरा पैसा मेरी सेविंग मेरी इच्छा मेरी इंद्री तृप्ति मेरे भोग करने की ये इच्छा है वो इच्छा है ये खाने की इच्छा है, ये सारी धीरे 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 आपकी छूट जाएंगी क्यों क्योंकि आप सतोगुण की तरफ शिफ्ट हो अपने आप को शिफ्ट करोगे ये आपके ऊपर है ना कनेक्शन समझ में आना चाहिए एक्चुअल में ऐसा है कि मैं देखता हूँ मेरे पड़ोसियों को दोस्तों को एक मेरी साली है उसका ना उसने एक बिल्ला पाला हुआ बिल्ला बिल्ली का जो मेल वर्जन हो गया बिल्ला वो इतनी गंदगी फैला दिया उसके घर में कि उसके पिताजी परेशान हो गए बोले बदबू आ रही पूरे घर से मानती नहीं है वो बड़ी है जबकि पच्चीस साल की हो गई चौबीस पच्चीस साल की और उसको बहुत ऐसा लग गया उसके साथ उसको जो है उसके साथ ही सुलाती अपने साथ बिस्तर में उसको खिलाती अपने साथ है तो मैं एक बार बोला मैंने कहा ये तो खतरनाक है आपको नहीं पालना चाहिए ये जो है ना इसमें चेतना डिस्टर्ब होती है आपका जो है ना मतलब उसमें आसक्ति फंस जाएगी तो आपको तो मैं बता दिया मैंने कहा अगली होनी फिर बिल्ली की मिल जाएगी फिर बिल्ली जीना बिल्ली के तरह जीना पड़ेगा तो उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता अरे मेरे को चब चलता है मेरे को बस मेरे को अकेला मेरे को यह बहुत अच्छा लगता है कुछ भी हो जाए मैं इसको नहीं छोड़ा तो यह ये ज्ञानुणी ये है वो अपने आप को उठाना ही नहीं चाहती है तो क्या कर सकते हैं गंदगी फैल गई पूरे घर में तो ऐसा एक तमोगुण की इच्छा पूरा वातावरण तमोगुणी बना देती है ये होता है एक के बाद एक एक के बाद एक कनेक्शन निकल आते हैं जुड़ता चला जाता है एक आपने तमोगुण को अपने अंदर में पाल लिया तो वो बाकी तमोगुण को और खींचता चला आएगा आपके पास खींचता चलाएगा फिर उसके लिए नॉनवेज बनाना बिल्ली पकड़ पकड़ के जो है ना वो उनके घर के बाहर चिड़िया मार मार के खा जाती है वो वहीं उसका मांस पड़ा रहता है ये ये लोग साफ करते जा तो ये सब क्या हो रहा है समझ में ही नहीं आ रहा लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कल हमारे सत्यम प्रभु ने एक से एक फोटो खींच के भेजे थे नॉनवेज के आपने ग्रुप में क्यों नहीं शेयर किए प्रभु जी तो जी वो जो श्लोक रेफरेंस भेजना चाह रहा था मुझसे उनका श्लोक रेफरेंस कहाँ मिलेगा भगवत गीता में थोड़ी कहीं लिखा है कि नॉनवेज खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए वो तो फिर कुछ कनेक्ट तो हाँ वो भागवतम में ढूंढना पड़ेगा वो तो बहुत मुश्किल है आप फोटो तो डाल दो कम से कम जी जरूर हाँ वो एक एक फोटो डाले इंसान कैसे चिकन को मार के खा रहा है बकर मुर्गे को तो अगर उल्टा हो जाए इंसान बकरा बन जाए और बकरा इंसान बन जाए तो इंसान के बच्चों को कैसे वो काट काट के खाएगा तो उसका बहुत अच्छा इन्होंने निकाला है फोटो तब समझ में आएगा जब उनके बच्चे को ऐसे दिखा रहे फोड़ते हुए मिक्सी में पीसते हुए अलग अलग दिखा रहे हैं अच्छा है तो चेतना हमको समझना चाहिए कि हमारी चेतना पॉल्यूटेड हो रही है हम कौन से गुण में जा रहे हैं हमको समझना चाहिए ठीक है तो हम पढ़ते हैं आगे जो नितांत सतोगुणी है वह ब्राह्मण जो रजोगुणी वे क्षत्रिय और जो रजोगुणी और तमोगुणी है वो दोनों वैश्य कहलाते हैं तथा जो नितांत तमोगुणी है वे शूद्र कहलाते हैं जो इससे भी नीचे है वे पशु कहलाते हैं फिर ये उपाधियां स्थाई नहीं है तो हम देखते हैं जो ब्राह्मण होते हैं वो जनरली सतोगुण में होते हैं क्षत्रियो में सतोगुण और रजोगुण ये दोनों का मिश्रण होता है और वैश्य में रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण होता है और शूद्रों में पूर्ण रूप से तमोगुणी रहते हैं इस प्रकार का ये जो है ना भगवान के द्वारा बताया है। भगवान सिस्टम गुण कर्म विभाग और कर्म के आधार में भगवान ने चार वर्ण और आश्रम बनाए हैं इस प्रकृति के ठीक है फिर ये उपाधियां स्थाई नहीं है मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या कुछ भी हो सकता है तो ऑब्वियसली आदमी जो है ना बचपन से सोचता है कि मैं ब्राह्मण हूँ लेकिन उसके गुण और कर्म ब्राह्मण के नहीं है आज भी हम देखते हैं है तो शर्मा है तो जो है ना जो है वर्मा ब्राह्मण है लेकिन डेली शाम को बैठ के जो है ना चिकन के जो है ना ठेले में बैठ के चिकन खा रहा है होटल में बैठ के मुर्गे की टांग खा रहा है तो ऐसा ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है ये खाली बोलने की बात है तो हमारी उपाधियां हमको समझनी चाहिए कि हमारी जो उपाधियां हैं वो एक्चुअल में हमारे को कहाँ ले जा रही है लिखने के लिए ब्राह्मण हो गया तिलक लगा रहे हैं लेकिन काम एक भी ब्राह्मण वाला नहीं तो ये ब्राह्मण नहीं है ये शूद्र है ये खाली आपकी उपाधि है ठीक है यद्यपि जीवन नश्वर है और हम नहीं जान पाते कि अगले जीवन में हमें क्या कर? हम हम क्या होंगे किंतु माया के वश में रहकर हम अपने आप को देहात्म बुद्धि के द्वारा अमेरिकी भारतीय रूसी या ब्राह्मण हिंदू मुसलमान आदि कहकर सोचते हैं और यदि हम प्रकृति के गुणों में बंध जाते हैं तो हम उस भगवान को भूल जाते हैं जो इन गुणों के मूल हैं अतः भगवान का कहना है कि सारे जीव प्रकृति के इन गुणों द्वारा मोहित होकर यह नहीं समझ पाते कि इन संसार की पृष्ठभूमि में भगवान है तो जो माया है वो भगवान की बहिरंगा शक्ति का पार्ट है एक होती है महामाया एक होती है योग माया ठीक है महामाया का पार्ट है जिसको हम माया बोलते हैं वो महामाया के अंतर्गत है और महामाया जो है ये भगवान की बहिरंगा शक्ति होती है और एक होती है योग माया जो भगवान की अंतरंगा शक्ति होती है जिसको इंटरनल पोटेंसी कहा जाता है और महामाया को मटेरियल पोटेंसी कहा जाता है ठीक है तो हम जैसे ही इस भौतिक संसार में आते हैं महामाया के अंडर में आ जाते हैं फिर माया हमको दे थपेड़े मारती है एक से एक बढ़ के एक से एक एक श्लोक आता है चैतन्य चरित का ना है ना मध्य लीला का आता है कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार यहाँ कृष्ण तहा नहीं मायार अधिकार मतलब कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है तो सूर्य और अंधकार एक जगह नहीं रह सकते हैं तो जहां कृष्ण है वहां जो है ना माया नहीं रह सकती कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार यहाँ कृष्ण तहा नहीं मायार अधिकार अगर कृष्ण की शरण में जाए कृष्ण की जो है ना हम कृष्ण को याद करें तो वो ही है जो हमको माया से दूर ला सकते हैं एक और श्लोक था चलो देखेंगे ठीक है नेक्स्ट में लिखते हैं जीव कई प्रकार के होते हैं यथा मनुष्य देवता पशु आदि और इनमें से हर एक प्रकृति के वश में है जो अपन ने डिस्कस किया ऊपर ब्रह्म लोक से नीचे तक के सारे के सारे लोग जो होते हैं ना जीव प्रकृति के वश में होते हैं मतलब माया के अंडर में होते हैं और ये सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं जो रजोगुणी तथा तमोगुणी है यहाँ तक की सतोगुणी भी है वे परम सत्य को के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप के आगे नहीं बढ़ पाते वे सब भगवान के साक्षात स्वरूप के समक्ष भ्रमित हो जाते हैं जिसमें सारा सौंदर्य ऐश्वर्य ज्ञान बल यश तथा त्याग भरा है तो ये मैं पढ़ रहा था इसमें एक ना विश्लेषण आता है कि लोग निराकारवादी या मायावादी क्यों होते हैं ठीक है तो भगवान की क्वालिटी है वो अनंत है ना अन, अनंत है अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं है जो लिमिट लेस हैं, जिनकी कोई सीमाएं नहीं है लेकिन अगर भौतिक संसार की हम बुद्धि से इसको समझें तो जो अनंत है क्या उसका आकार हो सकता है क्या कौन बताएगा नहीं प्रभु जी गौतम प्रभु जी का फोन आया मैसेज आया नहीं क्या कहना है रोहित प्रभु जो भौतिक संसार में हमारी बुद्धि जो है किसी भी चीज को देखती है तो अनंत मतलब क्या आकार होगा क्या उसका नहीं होगा प्रभु जी नहीं होगा तो ये कंसेप्ट ही पकड़ते हैं मायावादी क्योंकि बोले भगवान अनंत हैं उनकी सीमाएं नहीं होती हैं इसलिए उनका स्वरूप नहीं है वो एक एक स्वरूप में नहीं रह सकते इसलिए वे ब्रह्म कहलाते हैं ब्रह्म मतलब जिसका कोई स्वरूप नहीं है जो चारों तरफ फैले हुए हैं वो उनका प्रकाश में भी हो सकते हैं वो साउंड में भी ओमकार में भी हो सकते हैं इस प्रकार वो लोग ब्रह्म को बताते हैं क्यों क्योंकि वे अनंत लेकिन इसमें एक जो है ना ट्विस्ट है जो वो समझ नहीं पाते कि वो भौतिक बुद्धि से सोचते हैं आध्यात्मिक चीजें तो अलग हैं हम क्या सोच सकते हैं कि ऐसा पेड़ भी होगा जिससे जो इच्छा करेंगे वो दे देगा नहीं भौतिक भौतिक बुद्धि से ऐसा पॉसिबल नहीं है लेकिन कल्प वृक्ष है वहां पे क्या ऐसी गाय है जिससे हम जो है ना मलाई मंगे तो मलाई दे दे छाछ मांगे तो छाछ दे दे रोटी मंगे तो रोटी दे दे है ना पेड़े मंगे तो पेड़े दे दे भौतिक दृष्टि से ऐसा नहीं हो सकता लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि में ऊपर पे वो सूर्य गाय है काम गाय है वहां पे तो हम यहाँ की बुद्धि का वहां का कंपैरिजन नहीं कर सकते वहां पे भगवान कहते हैं न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद गतवंती निवर्तनते यद न निवर्तनते तद धामम परम मतलब ऐसा धाम है जिसमें न सूर्य है न चंद्रमा है न अग्नि है तो ऐसी कौन सी जगह है लेकिन प्रकाशमान है भगवान के तेज से प्रकाशमान है लेकिन हम अपनी बुद्धि से ये चीज नहीं सोच सकते बिना सूर्य के कैसे रोशनी होगी बिना अग्नि के कैसे रोशनी होगी लेकिन है तो इस प्रकार जो होता है ना हम अपनी बुद्धि से हर चीजों को कैलकुलेट करने लगते हैं तो हम फेल हो जाते हैं क्योंकि भगवान को एक ही चीज है कि बुद्धि से नहीं समझा जा सकता है ना एक ही चीज है जो हम समझ सकते हैं कि भगवान को कोई किसी भी अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकता तो एक केन उपनिषद करके है केन उपनिषद उसमें श्लोक आता है टू पॉइंट थ्री इसमें कहते हैं जो कोई परम सत्य के विषय में किसी प्रकार का मत रखने से इनकार करता है उसका मत सही होता है ठीक है जबकि जो पूर्ण परम पूर्ण के विषय में अपना खुद का मत रखता है वह उन्हें नहीं जानता वे उनके लिए अज्ञात अज्ञात बने रहते हैं जो उन्हें जानने का दावा करते हैं और वे केवल उन्हीं के द्वारा जाने जा सकते हैं जो उन्हें जानने का दावा नहीं करते हैं समझ में आ रहा है क्या लिखा है मतलब जो दावा करता है कि मैं जानता हूं भगवान को मैं वर्णन करता हूं ना कैसे हैं भगवान तो वो गलत है और जो बोलता है कि नहीं हम तो नहीं जानते हैं भगवान कैसे हैं ये कैसे पता पड़ सकता है वो सही कह रहा है समझ रहे हैं और जो ऐसा कहता है कि मैं भगवान को नहीं जानता हूं वो भगवान उस पर कृपा करके अपना ज्ञान देते हैं और जो कहता है कि मैं जानता हूं भगवान को मैंने पढ़ चुका है भगवत गीता ये वो सारे ग्रंथ पढ़े हैं मैं जानता हूं भगवान कैसे हैं क्या है तो वो भगवान उसके सामने अदृश्य हो जाते हैं उसके सामने प्रकट नहीं हो पाते तो लॉजिक से हम ये समझ सकते हैं कि लॉजिक के द्वारा भगवान को नहीं समझा जा सकता अनंत है अनंत का मतलब क्या होता है एक और मतलब होता है कि एक तो सीमाएं हो गई अनंत मतलब उनकी लीलाएं भी अनंत है राइट अलग अलग तरह की लीला कर रहे हैं कभी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ तो क्या समझ सकते हो क्या आज हम एक लीला के बेस में कुछ बता दें अगले अगले पल पता नहीं कौन सी लीला कर लेंगे वो नई डेफिनेशन आ जाएगी भगवान की तो इसका मतलब यह है कि हम नहीं समझ सकते भगवान ठीक है तो कुल मिला के लास्ट वाली लाइन में लिखा है कि कृष्ण भावनावृत प्रकृति के इन तीनों गुणों से परे है और जो लोग निस्संदेह श्री भगवान कृष्ण में स्थित हैं वे ही वास्तव में मुक्त हैं ठीक है इसमें कुछ श्लोकों का वर्णन है आप चाहें तो लिख लें एक है फोर्टीन पॉइंट नाइनटीन फोर्टीन पॉइंट ट्वेंटी सिक्स श्रीमद भागवतम में है सेवन पॉइंट वन पॉइंट सेवन और एट टू पॉइंट फाइव पॉइंट एटीन इलेवन पॉइंट ट्वेंटी फाइव पॉइंट नाइनटीन और ट्वेंटी फोर ठीक है आप अपन समय नहीं मिला इसलिए नहीं तो पढ़ लेते हम कुछ कुछ एक श्लोक है टू ये खोलते हैं है ना? कल भी शायद खोला था बनने वाला श्लोक त्रय गुण्य विषया वेदा निस्त्रुण्य भावार्जुना निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान मतलब वेदों में मुख्यता प्रकृति के तीन गुणों का वर्णन हुआ है हे अर्जुन इन तीनों गुणों से ऊपर उठो समस्त द्वैतों और लाभ की तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्म पारायण बनो। तो एक कथा आती है एक बार क्या हुआ पहाड़ में चढ़ रहे थे कुछ लोग है ना रजोगुणी मैं करूंगा ना मैं चढ़ूंगा इस पहाड़ में करके दिखाऊंगा जमाने को मैं हिमालय चढ़ के दिखाता हूं हिमालय चढ़ रहे थे तो एक आदमी की ना रस्सी उसका पैर फिसला तो ऐसे वो फंसाते हैं ना अपने आप को पहाड़ में वो लोग रस्सी को उसमें डाल डाल के ऊपर चढ़ते हैं ताकि नीचे फिसल गए तो अपने आप को बचा ले रस्सी को पकड़ के तो शाम हो गई धीरे धीरे रात हो गई तो उनको बहुत ठंड लगने लगी और अब जो था ना स्थिति खराब हो रही थी उसकी उसका पैर फिसल गया पैर फिसल गया और अंधेरे में लटक गया फिर वो पहाड़ में मुश्किल से ऐसा रस्सी पकड़ा हुआ था अब जाए तो जाए कहा समझ में नहीं आ रहा था कुछ नहीं दिख रहा था उसको नीचे ऊपर सब अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था क्या है क्या करूं मैं कैसे निकालू अपने आप को उसका दोस्त भी कोई पुकार सुन नहीं पा रहा था क्योंकि वो गिर गया था नीचे बड़ी मुश्किल से अपने आप को रस्सी में संभाल के रखा था पकड़ रहा था भगवान को याद किया हे कृष्णा भगवान बचा लो मुझे तो भगवान की आवाज आई कि ठीक है तुम अपने आप को इस रस्सी से काट के अलग कर दो मैं तुम्हें बचा लूंगा तो उसके दिमाग में आया अरे कैसी बात करता है भगवान पागल टाइप की अरे इसी के सहारे तो लटका हुआ हो मैं इसी को काट दूंगा तो मेरे को बचाएगा कौन आप मारने के पीछे पड़े हो क्या मेरे को तो उसने रस्सी नहीं काटी अंधेरे में बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल के बैठा हुआ था ठंड में हिमालय में एकदम ठंड में रात निकलती गई निकलती गई धीरे 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 और जो है ना उसने अपने आप को जो है ना बांध के रखा था रस्सी में लेकिन ठंड के मारे ठंड के कारण उसकी मृत्यु हो गई उसकी जो है जान निकल गई तो जब आए उसके दोस्त लोग ढूंढते ढूंढते अगले दिन दिन में सब निकलते हैं ढूंढने के लिए तब तो पता पड़ा वो तो लटका हुआ तो गए उसको देखा कि जहां लटका था ना और उसी के नीचे एक फुट के नीचे जमीन थी एक फुट के नीचे तो जमीन थी उसकी क्योंकि अंधेरे में उसको दिख नहीं रहा था इसलिए वो डर के मारे लटका हुआ था और भगवान ने उसको बोला भी था कि तू बेटा रस्सी काट ले मैं तेरे को बचा लूंगी लेकिन वो रजोगुणी था अपने गुण में इतना मग्न था कि बोले नहीं करने वाला तो मैं हूं मैं प्रयास नहीं करूंगा मैं अपनी अगर रक्षा नहीं करूंगा तो भगवान कैसे करेगा रक्षा तो इस कारण जो है ना उसकी मृत्यु हो गई काट देता तो बच जाता उसी समय बच जाता भगवान की वाणी सुन लेता लेकिन नहीं लोग अपने आप को जो है ना सब मैं करता हूँ अहम करता अहम इतनी मन्य उस चक्कर में जो होता न, है ना परेशान हो जाते कुछ नहीं कर पाते ठीक है रूपाली माता जी का कुछ कहना था बीच में रेस किए थे माता जी हैं क्या प्रभु जी जी माता जी बताइए दो तीन पॉइंट्स आए थे मैं भी भूल जाती हूँ भूल आपने जैसे बोला सच में भूल जाती क्या जा पॉइंट था मुझे ही नहीं मालूम है एक तो अक्षय पत्र का भी आपने बोला तो हर चीज पॉसिबल क्यों नहीं है प्रभु जी हर चीज पॉसिबल तो है जैसे आज अगर बोला जाए तो गूगल हर चीज का आंसर दे रहा है अगर अपनी भाषा में बोला जाए और और ये बात भी है कि जब हम बहुत छोटे थे कलकत्ता गए थे तो वहां पर उस समय लैंडलाइन अपने चलते थे तब मोबाइल का आविष्कार हुआ नहीं था तब हमको बताया गया था कि कुछ समय बाद मोबाइल फोन आएगा जिसको कॉडलेस रहेगा तब उन किसी पर किसी पर विश्वास नहीं हुआ था पर था उस समय बहुत पहले टीवी का आविष्कार नहीं होता तब लोगों को लगता था कैसे टीवी में चलचित्र दिखेगा

वो छड़ी दिखा दी कि बेटा बंधन नहीं काटेगा तो मरेगा एक ते अंधेरे में है इसीलिए एक फुट की जमीन नहीं दिख रही है थैंक्स प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम तो बिल्कुल सही है जैसे हम अभी मानने को तैयार नहीं है कि हम हमेशा जवान रहेंगे वैसे ही जो है ना हम आध्यात्मिक जगत के बारे में भी नहीं जानते वहां पे हमेशा जवान रहता आदमी को कभी बुढ़ापा नहीं आता यस स्वपन प्रभु कुछ कह रहे हैं बताइए अरे कृष्णनपुर से दान मतलब होना अरे हम प्रकृति के तीन गुणों से प्रभाव से कैसे बच सकते हैं प्रकृति के तीन गुणों से उन गुणों का प्रभाव से हम कैसे बच सकते हैं कैसे बच सकते हैं जी यही तो अगला श्लोक पढ़ेंगे कल हम प्रकृति एशा गुणमई मम दुरत माया दुरत्यया मामेविय प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते देवी ही एशा गुणमई तो ऐसी जो है ना दुरस्तस्तर है ये माया कि भगवान की शरणागति ग्रहण करने से हम इसको पार पाएंगे तो कल यही हमारा टॉपिक है अगला श्लोक फोर्टीन बहुत इम्पोर्टेंट है तो कल पढ़ेंगे और दो दिन चलेगा ये श्लोक मैं इसको जल्दी खत्म नहीं करने वाला हूँ क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड है बहुत 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 डिटेल्ड है और ये हमारा आधार है कि कैसे हमको गुणों से बाहर निकलना कल हम कुछ श्रीमदभागवतम का भी वर्णन करेंगे अजामिल की कथा का वर्णन करेंगे किस प्रकार अजामिल को जो है ना यमराज के दूत लेने आए थे लेकिन उसका पाश काटने के लिए भगवान विष्णु के भी दूत आ गए थे और उनके बीच में चर्चा चली और अजामिल ने सब चीज़ सुना और उसको समझ में आया कि किस प्रकार भगवान गुणों के अधिष्ठाता है और मेरे को कौन सा गुण छोड़ना है और कैसे गुण में मेरे को प्रवेश करना है तो उसका सब का कल डिस्कशन करेंगे कल बहुत अच्छा रहने वाला है क्लास हमारा और लगे रही, बने रही है सुबह आते भगवत गीता क्लास की ठीक की। राहुल प्रभु यस हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद जी प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी जैसे कि निर्विशेषवादी जो ब्रह्म निराकारवादी को मानते हैं प्रभु जी क्या शास्त्रों को नहीं मानते मतलब शास्त्र नहीं पढ़ते मानते कि मानते इस... हैं शास्त्रों को मानते हैं भगवत गीता को भी मानते हैं सबको मानते हैं लेकिन तो... भगवान के स्वरूप को नहीं मानते कृष्ण को नहीं मानते वो तो मतलब कृष्ण को नहीं जानते वो जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं ये कैसे पॉसिबल प्रभु जी मतलब उनका कहना है कि कृष्ण भगवान नहीं है कृष्ण ने जो गीता सुनाई वो कृष्ण के मुख से तो निकली है लेकिन वो परमात्मा जो बैठे थे उनके हृदय में उन्होंने इसको बुलवाया उनके मुख से कृष्ण भी एक आदमी नॉर्मल आदमी थे और वो भगवान नहीं है उनके जैसे हमारे हृदय में परमात्मा है सबके हृदय में परमात्मा होते हैं तो सबका अपना अपना कहना होता है कि उनके अंदर परमात्मा बोले या प्रकृति ने बुलवा लिया नेचर ने बुलवा लिया या इस टाइप के अगर बोले इंसान होते तो वो मरते क्या उनको बाण लगा पैर में और वो मर गए ये सब उनके तर्क रहते सब के सब जैसा जैसा यथो यथो पंथ ततो, ततो मत ऐसा है यतो मत ततो पथ ऐसा है जैसा मत वैसा पथ उनका अपना मत है तो उनका अपना पथ भी अलग है हमारा अपना मत है तो हमारा पथ भी अलग है अपना मतलब प्रभु जी जो गीता में भगवान बोल रहे हैं कि मैं ही भगवान हूँ मेरे ही सरना का कर वो उस को नहीं मान रहे हैं हाँ वो तो बोले ना माँ में भर कहीं तो बोलते मैं हूँ मैं हूँ है ना अभी पिछले 7.7 में सबसे पढ़वाया मैंने मत परतरम ना अन्यत किश्चित अस्थि धनंजय मत परतरम ना अन्यत किश्चित अस्थि धनंजय क्लियर कट बोल रहे मेरे से श्रेष्ठ कोई और अन्य है ही नहीं और वो कहते हैं कि नहीं ये तो परमात्मा बोल रहे हैं कृष्ण नहीं बोल रहे कृष्ण के अंदर जो परमात्मा बैठे हैं वो कहते हैं कि मुझसे ऊपर कुछ नहीं तो इनके तर्क अलग हैं इनके विचार अलग हैं और हम जो है ना बहुत सी जगह इनका खंडन हो जाता है बहुत क्लियर कट लेकिन क्या करोगे कि इनको अपना नाम चाहिए फॉलोवर चाहिए तो लोग अपना अपना कुछ भी कुछ ज्ञान दे देते हैं और लोगों को भटका देते हैं समझ गया जी के मैंने बताया ना आपको जैसे वो मुसलमान है क्या नाम है उसका जो मलेशिया में रहता है जाकिर नायक, नायक, जाकिर नायक, जाकिर नायक भी हमारे उपनिषदों के श्लोक का वर्णन करता है आपको बता दूं अभी कल परसों अपन डिस्कस कर रहे थे ना एक श्लोक का सेवन पॉइंट एट नाइन टेन कौन सा हाँ श्वेताश्वर उपनिषद थ्री पॉइंट ये जो श्लोक है ना सेवन पॉइंट सेवन के ही तो तात्पर्य में लिखा है श्वेताशर उपनिषद थ्री पॉइंट है और नीचे एट और नाइन तो टेन का तो वर्णन करता है अपना ये जो है ना जाकिर नायक श्वेताशर उपनिषद के इसमें लिखा है कि ब्रह्म जो है ना वो सबसे ऊपर है ठीक है ब्रह्म जो है ना वही उसका स्वरूप नहीं है ब्रह्म है वो और उसको जो जान लेता है वो वो आगे संसार के दुखों को पार कर जाता है इसका तो वर्णन करेगा तो तुम्हारे शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है ब्रह्म सबसे श्रेष्ठ है आप बोल नहीं पाओगे आपके पास खंडन करने के लिए कुछ नहीं है जवाब देने के लिए कुछ नहीं क्योंकि आपने पढ़ा नहीं लेकिन जो पढ़ा है उसका मुंह बंद करा देगा बोलेगा तू थ्री पॉइंट टेन की बात कर रहा है एट नाइन तो पढ़ बाबा एट नाइन में क्या लिखा है आज हम भगवद गीता पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है ना कंटिन्यूशन में और ये पिछले श्लोक का रेफरेंस आगे आगे श्लोक का रेफरेंस और और आगे उसके आगे और आगे उसके जुड़े हुए हैं कि नहीं सारे श्लोक तो आप सिर्फ एक श्लोक का रेफरेंस दे के उसका एक्चुअल मीनिंग मतलब पॉल्यूट कर सकते हो उसको मैनिपुलेट कर सकते हो अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो लेकिन जब पूरी भगवद गीता पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा अरे नहीं पहले तो बोलते कर्म योग को सुनोगे तो तुम सारे मुक्ति पा जाओगे इससे ऊपर और कुछ नहीं है भगवान ने चौथे अध्याय में भी कहा फिर फिर अध्याय में कहते हैं फिर से ये ज्ञान सुनोगे तो सब चीजों सब ये सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है तीन बार बोलते बोलते सातवें अध्याय में भी बोलते, ये ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है और तो सातवें अध्याय का ज्ञान श्रेष्ठ है कि चौथे अध्याय का ज्ञान श्रेष्ठ है कि नवे अध्याय का ज्ञान श्रेष्ठ है कौन सा श्रेष्ठ है ये तो जब पूरी भगवत गीता पढ़ोगे तब पड़ेगा ना तब पता पड़ेगा लेकिन एक ही अध्याय पढ़ लो बोलोगे नहीं नहीं ये बेस्ट है बस मैंने पढ़ लिया चौथे अध्याय में शुरुआत में बोले भगवान ये श्रेष्ठ है ऐसा नहीं है आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा उसी प्रकार एक श्लोक पढ़ के कोई भी भटका देता है हमारे जो है ना बेचारे हिंदू उनको कुछ अकल नहीं पढ़ते हैं नहीं समझ में आता नहीं ठीक है प्रभु जी समझ में आया जी 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 प्रभु जी प्रभु जी अभी एक और बोल रहा था इन दिनों कुछ एक हॉलीवुड मूवी आई है ओपन तो करके उस पे गीता का एक श्लोक के ऊपर एक चर्चा चल रही है 11.32 में उन्होंने शायद गीता बहुत पढ़े हुए हैं जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे तो उनका एक चर्चा चल रहा है कि हमारे मतलब उस के ऊपर उन्होंने ऐसा मतलब बोला है एवन पॉइंट थर्टी टू का जिक्र किया है जहाँ वो बोल रहे हैं कि मैं ही मतलब एक काल बन चुका हूँ लोगों के लिए ऐसा करके 11.32 इसमें भगवान कहते हैं समस्त जीवों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूं हाँ वो जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार जो न्यूक्लियर का वेपन बनाया था तो वो गीता का वो बहुत अध्ययन करते थे ऐसा करके अभी न्यूज का चल रहा है बहुत ज्यादा मेरे को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मैं तो ना टीवी देखता हूँ ना समाचार देखता हूँ ना पिक्चर देखता हूँ मेरे को कुछ मालूम नहीं है तो उस पर बात चल रहा है कि कि ऐसा है मतलब उस जगह मतलब नहीं बोलना चाहिए था कुछ था उस, उस पर तो मजे लगा okay. आपको जी जी ठीक है पता करता हूँ मैं एक बार क्या है क्या नहीं है पता करता हूँ मैं जी प्रभु जी जी धन्यवाद ठीक है तो ये तो बहुत क्लियर है कि जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे इवन आइंस्टाइन भी भगवत गीता पढ़ते थे और बड़े बड़े से श्रीधरन थे जो मेट्रो को जिन्होंने लाया इंडिया में दिल्ली के मेट्रो किंग कहते हैं वो भगवत गीता पढ़ते थे और भी बड़े बड़े साइंटिस्ट जो थे ना वो सब भगवत गीता पढ़ते थे इवन इंडिया में नहीं बाहर के साइंटिस्ट लोग भी भगवत गीता पढ़ते हैं तो ये बहुत जो है ना बेसिक एक्चुअल में और इम्पॉर्टेंट नॉलेज है ये और इसके आधार पे ही लोग बहुत बड़े बड़े जो है ना सोशल मीडिया में जो बोलते हैं ना क्या बोलते हैं जिनको आ, स्पीकर बोलते हैं जो बड़े बड़े स्पीकर होते हैं ना वो सब इसी के बेस में ही तो आते हैं और क्या कहाँ से लाते ज्ञान ये पढ़ पढ़ के तो लाते हैं और अपना टैग लगा देते हैं ऐसा करो वैसा करो कर्म करो तुम्हारे हाथ में नहीं है फल इसलिए तुम फल के प्रति आसक्त मत हो ये सब तो कृष्ण कहते हैं इसी को अपने जवान में अपनी भाषा में थोड़ा तोड़ मड़ोड़ के बोल देते हैं और कुछ नहीं करते हैं तो हम तो सीधा सबसे ऊपर सुप्रीम कृष्ण की शरण में है तो हमको क्या दिक्कत है हमको इधर उधर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए ठीक है तो हम क्लास को विराम देते हैं यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद समय हो गया है और क्लास को क्लोज करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करके ठीक है तब अनम्यूट कर लेंगे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम, राम 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 हरे हरे सभी भक्त वृंद की जय 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 गुरु शील प्रभुपाद की जय हरे हरि